बड़ी देरी से लगा लाख सारा मेहनत पानी में, मात्र दो से चार मिनट में ना पूरा खेत जल गया। थोड़ा सा भी नहीं, ये पूरा क्रिकेट का पिच बन गया भाई। ये तो बोल सकते हो कितना नुकसान हुआ होगा मंटू, 35 मन एक। भाई देखो ये जलने के बाद कैसा, इसको उठा के देखो यार, मतलब कैसा हो गया ये देखो भाई, हवा इतना आ रहा है ना, ये देखो कैसा राख हो गया एकदम, दिख रहा है भाई ऐसा हो गया। और ये थोड़ा सा थोड़ा बहुत बचा है ना, तो इसको देखो, इसको तोड़ने के बाद ना हम लोग निकालते तो गेहूँ एकदम भूजा की तरह बन गया। तो जय श्री राम गाइस, कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारी वीडियो देख रहे होगे। सो गाइस अभी अपना शादी का टाइम चल रहा है अपना गांव में, और फिर काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं और काफ़ी सारे लोग स्टे कर रहे हैं। आने के बाद रात में तो अपन लोग सोने का टाइम उतना नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा थकान हो रहा है, प्लस नींद काफ़ी कम आ रहा है। इसी कारण से अपन लोग अभी सोच रहे थोड़ा सा गाँव में जाएँ बाहर की ओर काफ़ी, क्योंकि इधर ना इतना गर्मी है ना गाइस, इतना गर्मी है ना कि अगर चार मिनट तुम धूप में खड़े रह जाओगे ना तो भाई लगेगा ना गिर गए अपन लोग, ऐसा गर्मी है इधर का। प्लस हवा, इतना तेज हवा चल रहा है ना भाई कि एक थोड़ा सा चिंगारी काफ़ी कहीं भी आग लगाने के लिए, मतलब कितना भी बड़ा हो ना कुछ भी हो ना मिनट भर में सफा चट कर दे, ऐसा गर्मी है इधर। क्योंकि हाल ही फिलहाल में मैंने अभी सुना है, आज ही मेरे को फ़ोन आया था थरथरी से, बिहार के रहने वाले होंगे ना तो वो जानते होंगे थरथरी किधर है, तो उधर से फ़ोन आया था लगभग गाइस, मतलब बोलते हैं ना कुछ, मतलब बोल रहे 250 बीघा, एक बीघा में 20 कट्ठा होता है ज़मीन, और एकड़ मतलब समझ लो कितना एकड़ होगा, तो 250 बीघा में गेहूं था गाइस। उसमें एक थोड़ा सा चिंगारी लगने के कारण ना हवा इतना तेज है ना कि सारा खेत खत्म हो गया गाइस, पूरा जल गया यार। सोचो कितना लॉस हुआ इस बार किसान को, प्लस से जो बिजली आया ना उसके कारण बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है गाँव में, बहुत ही ज़्यादा गर्मी के टाइम में। ठंडा में चलता है बट गर्मी में ज़्यादा गर्मी करती है, हवा चलती है, चिंगारी से बहुत ज़्यादा जल रहा है गाइस। तो मैं आपको बाहर जाके दिखाता हूँ कितना तेज हवा चल रहा है और फिर कितना तेज की गर्मी है ना, वो भी मैं आपको बाहर जाके दिखाता हूँ। और अपने तरफ तो काफ़ी ज़्यादा गेहूँ हर जगह कट चुकी है, कुछ कुछ बची है, बट जहाँ पे बिजली का पोल है ना वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेंजर जोन है वहाँ पे। बट फिर भी दिखाते हैं आप लोग को अपना गाँव का व्यू आज का गाइस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और टेंट भी कैसा बन रहा है ना शादी वाला, वो भी आपको दिखाते हैं अपना वाला टेंट। तो चलो पहले अपन लोग थोड़ा सा नाश्ता करते हैं, और इस टाइम ना गाइस अभी 9 बज रहा है, 9 बजे इतना गर्मी है, सोचो यार इतना तेज वाला गर्मी है ना, इतना तेज वाला ना कि बता नहीं सकते हैं, प्लस इतना तेज हवा चल रहा है ना कि भाई मतलब अंदर आ रही है घर के साइड में हवा ना, तो गेट एकदम फट फट लग रहा है, खुल रहा है, ऐसा हो रहा है। तो लॉक करके अपन लोग चलते हैं बाहर, आपको दिखाते हैं टेंट और फिर बाहर का नजारा दिखाते हैं अभी का टाइम का गाइस। बड़ी देरी से लगा लाख तोरे ना लोजी क्या ना हमरो नौका लगा हमरो तो खत्म ही है हमरा लो ये कैसे हो जाए हमरा तो ई जाके कहल के तो हम उठा की बात हमरा सिनेमा वाला का वीडियो फोन के जो कोता करे लगे हां धुआं तो उठ ले हां वीडियो बना ही हमार तो लगा साफ कर लो आप लाइन है लाइन ने कहां से कोई लगा दिया तो भाई देखो यार पूरा खेत जल चुका है, जलने के बाद का सीन, 27 कट्ठा खेत है भाई, इतना गर्मी है ना कि भाई थोड़ा सा लूत लगने के कारण पूरा जल गया यार। थोड़ा सा जो उधर से थोड़ा सा चिंगारी निकला ताड़ से, उसके बाद जला ना तो उसके बाद हवा के कारण पूरा खेत जल गया। और अभी देखो हवा, देखो यार कितना भयानक हवा है, तो इसके कारण थोड़ा सा गया ना भाई, थोड़ा सा एक चिंगारी से ना, सोच सकते हो तुम लोग, मतलब सारे लोग सोचते होंगे ना कि चिंगारी से कुछ नहीं होता, भाई देख लो यार जिसका खेत जला है ना उस पर बीत रहा होगा भाई, टोटल 27 कट्ठा खेत है, 27 कट्ठा को क्या बोलते हैं अपन लोग, 20 कट्ठा का एक बीघा होता है ना, तो 27 कट्ठा है पूरा, देख लो यार मतलब कितना नुकसान हुआ होगा, सोचो। ये देखो थोड़ा सा राख भी ना बचा, ये देखो, ये देख लो पूरा खेत जला दिया यार वहाँ तक। और ये मंटू देखो,
हम लोग आए, जब जल रहा था ना उस टाइम मतलब इतना गर्मी हो जाता है ना कि भाई पास में नहीं आ सकते, तब हम लोग रोड से ही देखे थे वहाँ से। बट यार जिसका जला यार उसका ये देखो थोड़ा सा जलने के बाद देखो कैसा हो गया, देख रहे हो भाई पूरा बंजर हो गया यार। मतलब कितना मेहनत से कोई मेहनत करके फसल उपजाता है, बस मिनट भर में सारा मेहनत पानी में। मंटू भाई ये देखो चूहा का घर, भाई चूहा बचा हुआ का भाई, चूहा वाला नहीं है, चूहा का घर है ये देख रहे हो। अरे भाई साहब अपना पाँव में क्या हो गया यार, ये देखो अल्लाह यार इतना सारा लग गया क्या क्या। जब जल रहा था ना उस टाइम अपन लोग आने का मतलब कोई बचा ही नहीं सकता भाई, फायर ब्रिगेडियर भी आता ना तो नहीं बचा पाता, क्योंकि यार मात्र 2 से 4 मिनट में ना पूरा खेत जल गया, 4 से 5 मिनट मैक्सिमम। देख ले पूरा खेत, ये टोटल खेत मान लो 12-13 कट्ठा ये खेत होगा वो होगा और फिर ये खेत वो खेत, जितना भी लपेटा में आया ना सारा जल गया। वो देखो वहाँ भी थोड़ा सा जला बच गया वहाँ से भी, और ये तो पूरा जल गया। बस इससे चिंगारी आया था शायद, ये वाला दिख रहा है इससे थोड़ा सा चिंगारी निकला था उसके कारण, एक थोड़ा सा चिंगारी से पूरा खेत खत्म भाई। और यार सिर्फ 2 से 4 मिनट में जल गया यार, कितना मेहनत मतलब सारा पानी में। देख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा जला हुआ है ना, ये देखो जला हुआ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ये गेहूँ भाई, ये देखो गेहूँ का कैसे जल गया एकदम भाई, पूरा एकदम ये कर दिया यार, थोड़ा सा भी नहीं, ये पूरा क्रिकेट का पिच बन गया भाई ये तो, और मेहनत पानी में चला गया। कोई ना यार ये देखो भाई सारा एकदम जला हुआ, ये देख रहे हो ये देखो, और देखो वहाँ पे एक लड़का है वो देखो वही खेत वाला रो रहा था बेचारा यार, बहुत हम लोग मनाए तो माना है वरना कोई नहीं, पूरा राख हो गया ना भाई। हम लोग ये देखो ये होरा खा रहा है, ये जलने के बाद जो ऐसा होता है ना उसको होरा हम लोग बोलते हैं, बट ऐसा खेत जल गया तो इसको क्या बोले, क्या बोल सकते भाई, कितना नुकसान हुआ होगा मंटू, 35 मन, 1 मन 40 किलो, 50 किलो, 35 मन पूरे 35 बोरी, 1 मन कितना के होता है, 40 केजी, वही तो बोल रहा है भाई 1 मन 40 किलो और टोटल 35 मन से ऊपर का गेहूँ जल गया भाई, नुकसान कितना हुआ होगा वो देखो इधर का भाई, ये सब जो हरा भरा है ना ये थोड़ा बहुत बचा, बट ये भी जल गया सारा कुछ, हटाया गया है तो बचा उतना। हाँ उधर बोझा हट गया था पहले ही, देख रहे हो काट के ना उधर हटा दिया था ना तो पहले ही बच गया, बट ये पूरा खेत में कटा भी नहीं था, कटा नहीं था ऐसे ही था, ऐसे ही पूरा जल गया, कटने वाला तो उधर साइड हो गया था तो वो तो बच गया थोड़ा सा, बट अगर कटा हुआ रहता ना तो बचने का थोड़ा सा चांस था, बट कोई चांस रहा ही नहीं यार। भाई देखो ये जलने के बाद कैसा, इसको उठा के देखो यार मतलब कैसा हो गया, ये देखो भाई हवा इतना आ रहा है ना, ये देखो कैसा राख हो गया एकदम दिख रहा है भाई, ऐसा हो गया। और ये थोड़ा सा थोड़ा बहुत बचा है ना तो इसको देखो, इसको तोड़ने के बाद ना हम लोग निकाल देते गेहूँ एकदम भूजा की तरह बन गया, ये देखो ये भूजा, हम लोग भूजा भूजा के खाते हैं ना तो ऐसा ही होता है, सही है। और ये देखो एकदम राख बन चुका है यार, देखने से लग रहा है ना गेहूं है पूरा एकदम सारा, गेहूं भी अच्छा क्वालिटी का था यार, जल गया बट क्या है बोल सकते हो यार, ये देखो कहीं कहीं बहुत सारा ऐसे बचा हुआ है, इसको भी उठा के भूजा भूजा बन सकता है ना भाई, भूजा ही भाई बन गया, बन गया ना, ये देखो भूजा कैसा है, खा के टेस्ट करना, अच्छा लगा भूजा ऐसा ना, अच्छा। सुबह हवा बहुत ज़्यादा चल रहा है इधर और फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सो देख लिए ना भाई पूरा खेत जल गया, बहुत सारा फसल बर्बाद हुआ, नहीं भी ना तो कम से कम 35 मन गेहूँ बर्बाद हो गया, प्लस यही नहीं यहाँ से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर दूर थरथरी है, वहाँ का कोई गाँव का नाम मेरे को उतना याद नहीं है, वहाँ का टोटल 22 से 25 बीघा खेत में आग लग गया गेहूँ का खेत में, तो सोच लो यहाँ सिर्फ 27 कट्ठा मतलब 1 बीघा बोले तो 1 एकड़ बोल सकते हो, क्योंकि 1 एकड़ में ना 32 कट्ठा खेत होता है और 1 बीघा में 20 कट्ठा खेत होता है, तो समझ लो यार 1 एकड़ बराबर हो गया यार 1.25 बीघा खेत, तो कुछ सोच सकते हो मतलब तकरीबन 15 एकड़ जमीन में मतलब खेत में गेहूं का खेत में आग लग गया थरथरी में,
तो भाई मतलब फार्मर लोग को कितना नुकसान हुआ, किसान लोग को आप लोग गेस कर सकते हो। और फिर सिर्फ एक छोटा सा चिंगारी कितना आग लगा दिया बता नहीं सकते आपको, प्लस इतना तेज हवा है ना, तो एक छोटा सा चिंगारी बहुत ही बड़ा आग का काम करता है। और प्लस धूप भी बहुत ही ज़्यादा कड़ा था गाइस, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। तो यार किसान लोग ही मरते हैं भाई, हम लोग ही। सो क्या ही बोले गाइस, मैं बस आपको दिखाया अपना गांव में भी 27 कट्ठा खेत टोटल था गाइस, उसमें 13 कट्ठा किसी और का था, 5 कट्ठा किसी और का था, और 2-4 कट्ठा करके डिवाइड किया हुआ था उधर। लेकिन एक बड़ा वाला था वो 13 कट्ठा खेत था, उसमें आग लग गई टोटल। गेहूं तो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं भी तो कम से कम 30 मन, मतलब एक मन 40 केजी को बोलते एक मन, तो 30 मन गेहूं ऐसे ही चला गया यार। मतलब उतना मेहनत से रोपा पटाया, उसमें पानी, उसको देखभाल किया, और फिर ये चुटकी भर में गाय सिर्फ 2 मिनट, चंद मिनट में पूरा खेत खत्म हो गया भाई, सिर्फ 2 से 4 मिनट में पूरा खेत जल गया गाइस। तो सोचो कितना ज़्यादा लॉस हुआ है। तो मैं क्या ही बोलूँ गाइस, आप लोग देख के तो बता ही सकते हो ना, लॉस ही लॉस है गाइस। तो सोच रहे गाइस यहाँ पे वीडियो को एंड करें। सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा तो नहीं बोल सकते, किसी का दिल टूटा है, किसी का होता है ना, कोई गरीब होता है ना किसान, इसी में खुदकुशी करने का चांस आता है गाइस। बट हम लोग इतना वैसे नहीं, हम लोग लॉस को लेके भी चलते हैं। किसान ऐसा चीज़ होता है ना जो लॉस को भी लेके चलता है, प्रॉफिट को भी लेके चलता है, दोनों को इक्वली लेके चलना पड़ता है किसान में, जो भी फार्मिंग करते हैं उनको। तो बस यही बोलना चाहेंगे, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइस। सो बाय बाय, जय श्री राम गाइस। अपना ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना, और ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहना। सो बाय बाय, जय श्री राम गाइस।